दोस्तों, तो अब हम करने वाले अपने क्लास सिक्स का चैप्टर फोर ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, तो अपने चैप्टर का नाम है व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस। तो बुक्स का मतलब आपको पता ही है, किताबें होती है। बरियल्स जैसा किसी को मतलब कब्रें, उन्हें अपन बरियल्स कहते हैं। तब ये अपन को हमेशा ये बॉक्स सा मिलता है क्वेश्चन जैसा, तो अब इसको देख लेते हैं। मैरी इन द लाइब्रेरी, कलर बदल देते हैं, अब आपको अच्छा दिखेगा। और चलिए, एज द बेल रैंग, जब घंटी बजती है, द टीचर आस्क द स्टूडेंट टू फॉलो हिम। टीचर कहती है कि उनको फॉलो करो, सब बच्चों को कहती है कि मुझे फॉलो करो। बिकॉज दे वर गोइंग टू द लाइब्रेरी फॉर द फर्स्ट टाइम, तो यानी ये अपने पहली बार ये लाइब्रेरी जा रहे थे। सबके स्कूल में लाइब्रेरी होती है ना, तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो तो मान में जाते हैं, तो वो पहली बार जा रहे थे। फैन मैरी स्टेप्ड इनसाइड, जब वो मैरी जो है नामक लड़की, वो अंदर पैर रखती है, शी फाउंड दैट द लाइब्रेरी वॉज मच लार्जर देन देयर क्लासरूम। ऐसा ही होता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी बुक्स होती हैं, एंड देयर वर सो मैनी शेल्फ्स, वहाँ पे बहुत सारे शेल्फ्स होते हैं, ऑल फुल ऑफ बुक्स, बुक से भरे होते हैं। इन सम कॉर्नर वॉज अ कवर्ड फिल्ड विद लार्ज ओल्ड वॉल्यूम्स, ओल्ड वॉल्यूम्स का मतलब पुरानी किताबों से भरी थी। सीइंग हर ट्राइंग टू ओपन द कवर्ड, द टीचर सैड, जब मैरी कोशिश कर रही थी कवर्ड को खोलने की, तो उसको टीचर कहती है दैट कवर्ड वॉज वेरी स्पेशल बुक्स, जो कवर है उसमें बहुत स्पेशल बुक्स है। कौन सी? वन डिफरेंट रिलीजन, मतलब रिलीजन आपने सिविक्स में जानते हो आप रिलीजन क्या होता है। तो डिड यू नो दैट वी हैव अ सेट ऑफ वेद दास, इंग्लिश हिंदी में वेद बोलते हैं, इंग्लिश में वेदास बोलते हैं, तो हम वेद कंसिडर करेंगे। तो वेद, तो इनके पास है सेट ऑफ वेद। वॉट आर वेद, वेद क्या होते हैं? मैरी वंडर्ड, वो आश्चर्यचकित हो गई, लेट अस फाइंड आउट। तो वेद क्या होते हैं, तो अभी अपन को किताब से जानेंगे। अब हम वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिटरेचर सोर्स इन द वर्ल्ड, जो सबसे लिटरेचर सोर्स है वर्ल्ड का, यू मे हैव हियर्ड अबाउट द वेदास, मतलब वेद आपने सुना ही होगा, सही बात है। देयर आर फोर ऑफ देम, फोर होते हैं, कौन कौन सा होता है आपको पता है? ऋग्वेद होता है, सामवेद होता है, यजुर्वेद होता है, और अथर्ववेद होता है। जो ओल्डेस्ट वेद है वो ऋग्वेद है, ये भी हम जानते हैं। कंपोज्ड अबाउट 3500 ईयर एगो, ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन अब जानेंगे क्योंकि 3000। अब ये ध्यान रखने की चीज़ है, इनके नाम, ओल्डेस्ट वेद कौन सा है और कितने साल पहले था। द ऋग्वेद इंक्लूड मोर देन 1000 हाइम्स। हाइम्स क्या होता है मैं बताता हूँ। हाइम्स होता है जैसे कुछ लोग, छोटा सा श्लोक है तो वो हाइम होता है, ऐसा हाइम्स जो है ना, उसमें 1000 हाइम्स है ऋग्वेद में, कॉल्ड सूटा, सूटा कहते हैं, और वेल सेड कहते हैं। दीज हाइम्स आर इन प्रेस ऑफ वेरियस गॉड्स एंड गॉडनेस, मतलब ये उनकी प्रशंसा करने के लिए होते हैं। थ्री गॉड्स आर स्पेशली इम्पोर्टेंट, वैसे अपन तो पहले दूसरे होते थे, अग्नि द गॉड ऑफ फायर, अग्नि द गॉड ऑफ फायर है, इंद्र अ वॉरियर ऑफ गॉड, और अपन जानते बारिश के लिए भी पहले लोग पूजा करते थे, और इसमें देनी रखा है, और वायु देवता अरुण भी इम्पोर्टेंट थे, बस इसमें देनी रखा है, बस एक एक्स्ट्रा वो दे रखा है। एंड सोम अ प्लांट फ्रॉम विच अ स्पेशल ड्रिंक वॉज प्रिपेयर्ड होती है। दीज हाइम्स वर कंपोज्ड बाय सागास ऋषि जो होते हैं, वो फ्रेश टॉट स्टूडेंट टू रिसाइड एंड मेमोराइज ईच सिलेबस, पहले उनको सारे सिलेबस को करना पड़ता था, जैसे एक वेट कर लिया तो अगले वेट की तरफ करेंगे, अगर याद नहीं होता है
तो दोबारा वो करेंगे ऐसे वर्ड एंड सेंटेंस बिट बाय बिट विद ग्रेट केयर के साथ. मोस्ट ऑफ द हाइम्स कुछ हाइम्स वर कंपोज विद मैन. मैंस ने बहुत सारी वो कंपोज की थी. अ फ्यू वर कंपोज बाय वूमन कुछ वूमेंस के द्वारा हुई थी. द ऋग वेद इज एन ओल्ड वैदिक संस्कृत विच इज डिफरेंट फ्रॉम संस्कृत यू लर्न इन स्कूल दीज डेज. मतलब जो ऋग्वेद की संस्कृत है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है. जो आप संस्कृत अभी पढ़ते हो वो तो उसके आगे कुछ नहीं लगती. मतलब वो तो बहुत ईजी है, अपन को लगती नहीं क्योंकि वो अपने लिए नई भाषा है, लेकिन वो है ईजी इसके हिसाब से. अब संस्कृत एंड अदर लैंग्वेज इसके बारे में देखते हैं. संस्कृत इज अ पार्ट ऑफ अ फैमिली ऑफ अ लैंग्वेज. संस्कृत एक पार्ट है और फैमिली की लैंग्वेज का नोन एज इंडो यूरोपियन. तो इसका नाम याद रखना है कि इंडो यूरोपियन जो है वो मेन वो उस फैमिली से करता है. और उस फैमिली में कौन कौन सा देखते हैं सब इंडियन लैंग्वेज ज़्यादा आसामी है, गुजराती है, हिंदी है, कश्मीरी एंड सिंधी है. ये सारी एशियन लैंग्वेज विच आर पिजन एंड मैनी एम्परर लैंग्वेज सच एज इंग्लिश फ्रेंच जर्मनी ग्रीक फ्रेंच अलोंग टू फैमिली. ये भी बिलोंग करते हैं इस फैमिली से. दे आर कॉल्ड फैमिली बिकॉज ओरिजिनल हैड वर्ड इन कॉमन कुछ कॉमन है. टेक द वर्ड मट. मेरे को तो इतनी अच्छी संस्कृत नहीं आती, लेकिन अभी देखिए यहाँ हिंदी में दे रखा है माँ, तो इसका मतलब भी माँ ही होगा, ठीक है. और यहाँ पे दे रखा है मदर इंग्लिश में. तो देखिए अब इनको बोलने में थोड़ा कॉमन नहीं है माँ मदर. तो देखिए ये सारे एम से स्टार्ट हो रहे हैं, कुछ कॉमन है. देखिए ऐसा क्वेश्चन भी दिया है डू यू नोटिस एनी सिमिलैरिटीज. हमने देख लिया क्या सिमिलैरिटीज है. अदर लैंग्वेजेस आर यूज्ड इन सब कॉन्टिनेंट बिलोंग टू डिफरेंट फैमिलीज. फॉर इंस्टेंस दूसरी लैंग्वेज दूसरे उनसे भी वो करती है. अदर लैंग्वेज यूज्ड फॉर सब कॉन्टिनेंट बिलोंग तो दोज नॉर्थ ईस्ट बिलोंग टू तिब्बतन ब्रह्म इससे बिलोंग करती है. फैमिली तमिल तेलुगु कैनेडा एंड मलयालम बिलोंग्स टू द्रव्य फैमिली इस फैमिली से करते हैं. एंड द लैंग्वेज स्पोक इन झारखंड एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया बिलोंग्स टू एस्ट्रो एस्टिक फैमिली, ठीक है. लिस्ट द लैंग्वेज यू हैव हियर्ड अबाउट ट्राई आइडेंटिफाई फैमिलीज इन दिस बिलोंग्स. तो ट्राई करो उनको जो इसमें दे रखे उनसे अलग. The books we use are written in printed the Rigveda. वो जो अपन Rigveda वो पढ़ते हैं अभी वो तो printed है बॉस. Recited and heard rather than read it was written down several centuries after it was first composed. वो बहुत सेंचुरी पहले लिखा था and printed less than 200 year ago. 200 साल पहले ही हुआ था. हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेद तो जो हिस्टोरियंस हैं वो कैसे ऋग्वेद को स्टडी करते हैं. लाइक आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड आउट अबाउट द पास्ट के बारे में ढूंढो. बट एडिशन टू मटेरियल रिमेन्स जो मटेरियल मिलते दे एग्जामिन रिटर्न सोर्स एज वेल लेट अस सी हाउ देन स्टडी द ऋग्वेद कैसे ऋग्वेद को स्टडी करते. सम ऑफ हाइम्स इन द ऋग्वेद इन द फॉर्म ऑफ दिलूज इसमें This is a part of such hymns of belong to saga named Vishwamitra. इनके बारे में आपने सुना होगा. एंड टू रिवर दो रिवर भीम एंड सतलज इनको पहले देवियों के रूप में पूजा जाता था. दैट वर वर्शिप एज गॉडेस ये मतलब वो इसका. फाइंड द रिवर मैप वन पेज टू द रीड ऑन तो आप फाइंड करना है. ये आपका आपको फाइंड करके कमेंट्स में लिखना है कि किधर थी. अब ये देखिए ये ऋग्वेद का पहला वो है. अ पेज ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेद एक पेज है. द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेद पेज वॉज फाउंड कश्मीर अबाउट 150 ईयर अगो 150 साल पहले मिला था. इट वॉज यूज टू प्रिपेयर वन ऋग्वेद एज वेल
हैज इंग्लिश ट्रांस, मतलब इसको हिंदी में तो क्या ही है, इंग्लिश में भी क्या, प्रिजर्व इन पुणे महाराष्ट्र। और ये जो रियल वाला है पुणे महाराष्ट्र में इसको क्या गया, द विश्वामित्र और रिवर में क्या बात हुई थी, देखते हैं। विश्वामित्र एंड द रिवर, वो अपन ने ऊपर से देखा था तो उसमें उन्होंने क्या बात की वो देखते हैं। विश्वामित्र कहते हैं वो रिवर कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन, कि माउंटेन से नीचे वो लाइक टू शिफ्ट हॉर्स, इसका मतलब फुर्तीले घोड़े की तरह, टू शाइनिंग काउस चमकती हुई काहों की तरह, द लिक देयर काउ द लिक देयर केव्स, मतलब ऐसी गाय जो अपने बछड़े को चाट रही हो। थोड़ा जूम कर लेते हैं क्योंकि फैन में, फिर आपको सही से दिखेगा नहीं। ओके, यू मूव लाइक चैरियट टू द सी, चैरियट की तरह थ्रू द पावर ऑफ इंद्रा, इंद्र की पावर, मतलब तुमको तुम्हारे पास इंद्र की शक्ति है। यू आर फुल ऑफ वाटर एंड विश टू यूनिट विद वन अनादर, तो तुम पानी से भरी हुई हो। अब रिवर कहती है वी हु आर फुल ऑफ वाटर मूव अलोंग द पाथ द गॉड है फॉर अस, हम है ना उस पथ से आ सकते हैं जो गॉड ने हमको बनाया है। वंस वी स्टार्टेड फ्लोइंग, जब हम एक बार बहना चालू कर देंगे, वी कैन नॉट बी स्टॉप्ड, हम रुक नहीं सकते। वाई डू यू प्रे टू अस, से कि तुम हमारी प्रे क्यों कर। विश्वामित्र, ओ सिस्टर प्लीज लिसन टू मी, मेरे को सुनो। द सिंगर हु वॉज कम फ्रॉम डिस्टेंस, एक सिंगर जो बहुत दूरी से आया है चैरियट्स एंड कार्ट्स, चैरियट और कार्ट्स के साथ। लेट यू वाटर नॉट राइज अबव द एक्सेस सो दैट यू कैन क्रॉस सेफली, जिससे हम सेफली क्रॉस कर सके द रिवर। कहते हैं वी विल लिसन टू योर प्रेयर सो दैट यू कैन क्रॉस सेफली, तुम सेफली नदी के पार हो जाओगे। हिस्ट्रीज पॉइंट आउट इन हाइम्स, के कुछ हाइम्स है वॉज कम्पोज इन द एरिया विद दीज रिवर फ्लो, उन एरिया के यहाँ पे मिली है जहाँ पे ये रिवर बहती है, मतलब सोचा गया है वहाँ होगी। दे ऑल्सो सजेस्ट द सागा लिव्ड इन सोसाइटी वेयर हॉर्सेज आर काउस आर वैल्यूड एनिमल, इनकी कोई इज्जत रही होगी उस जमाने में। दैट इज वाई द रिवर आर कंपेयर्ड टू हॉर्सेज एंड काउज, एक गॉड मतलब एक भगवान को कंपेयर कर रहे हैं उस जानवर से, तो वैल्यू तो रही होगी। डू यू थिंक चैरियट वर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्या तुम्हें तो लगता है चैरियट इम्पोर्टेंट हाँ ट्रैवल करने के लिए। गिव अ रीज़न टू फॉर योर आंसर, रीड द वेरियस फाइंड, जैसा अपन ने देखा था वो चैरियट्स एंड कार्ट, चैरियट्स रात को कहते हैं, कार्ट तो वो भी वैल्यूएबल रह गए होंगे। आर द मोर ट्रांसपोर्ट दैट आर मेंटेड, वो ट्रांसपोर्ट है। अदर रिवर स्पेशली द इंडस, जो इंडस है एंड अदर ट्रिब्यूटरी, उनकी ट्रिब्यूटरी एंड द सरस्वती जो है आर ऑल्सो नेम्ड द हाइम्स, इनको भी ले रखा है। द गंगा यमुना आर नेम्ड ओनली वंस, ये भी हैं। अब देखते लुक एट मैप वन पेज टू पे जो है, एंड लिस्ट फाइव रिवर दैट आर नॉट मेंटेन इन द ऋग्वेद, तो ये आपको मेरे को कमेंट्स में बताना है ये भी। कैटल हॉर्सेज एंड चैरियट, तब हम पढ़ेंगे कैटल हॉर्सेज और चैरियट के बारे में। देर आर मैनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेद फॉर कैटल चिल्ड्रन, ओके एंड हॉर्सेज वर या चैरियट्स वर यूज टू यूज्ड इन बैटल्स, चैरियट्स बैटल में यूज होते हैं, विच वर ट्रू टू कैटल, कैट मतलब इसका मतलब है इसमें कैटल के प्रेयर वगैरह है ऋग्वेद में, और हॉर्सेस के वर यॉक्ड चैरियट दैट आर यूज इन बैटल, वो बैटल में यूज होते हैं, विच फॉर फॉट
कैप्चर कैटल कैटल को कैप्चर करने के लिए बैटल वर ऑल्सो फॉर फॉर लैंड लैंड के लिए भी होती है विच बहुत इम्पोर्टेंट फॉर पेस्चर के लिए एंड फॉर ग्रोइंग हार्डी क्रॉप्स क्रॉप्स के लिए देवर फॉर फॉर कैप्चर पीपल ऑफ पीपल को कैप्चर करने के लिए सम वेल्थ दैट आर ऑब्टेन वाज कैप्ड बाय लीडर कुछ लीडर को दी जाती है वन मिनट तो कुछ लीडर्स के लिए होती है गिफ्ट टू प्रीस्ट प्रीस्ट को देना तो बहुत इंपॉर्टेंट है पुजारी एंड द रेस्ट डिटरमाइन अमंगस्ट पीपल और जो बचता है वो पीपल के लिए दे देते हैं सम वेल्थ आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ यज्ञ इन विच ऑफरिंग मेड इन टू फायर मतलब देखिए अपन ने क्या देखा कुछ लीडर्स को दिया जाता था जो वो लैंड वगैरह जीत जाते थे और टूर्नामेंट्स वगैरह जीत जाते थे वो इनको दे देते थे कैटल हॉर्सेस एंड चैरियट्स अब पढ़ेंगे कैटल्स हॉर्सेस और चैरियट्स के बारे में देर आर मैनी प्रेयर्स इन ऋग्वेद ऋग्वेद में बहुत सारे प्रेयर्स है फॉर कैटल्स कैटल्स के लिए चिल्ड्रंस के लिए एंड हॉर्सेस हॉर्सेस के लिए हॉर्सेस वर यॉक्ड टू चैरियट्स हॉर्सेस चैरियट्स को खींचते हैं दैट वर यूज इन बैटल जो चैरियट बैटल में यूज होते हैं विच वर फॉर टू कैप्चर कैटल जो कैटल को कैप्चर करने में के लिए होता है बैटल वर ऑल्सो फॉर फॉर लैंड मतलब जैसे उस बंदे को हरा दिया तो अपन को उसकी ज़मीन मिल जाएगी इसके लिए होते हैं विच वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर पेस्चर एंड ग्रोइंग हार्डी क्रॉप्स क्रॉप्स के लिए होते हैं दे राइपमेंट क्विकली सच एज बर्ली सम बैटल्स बर्ले मिल जाते थे फ्रॉम वाटर एंड टू कैप्चर पीपल और लोगों को कैप्चर करने के लिए सम ऑफ वेल्थ दैट वॉज ऑब्टेन वॉज कैप्ड बाय द लीडर्स कुछ लीडर्स को दिए जाते थे उनके सम वॉज गिवन टू द प्रेस्ट पुजारियों को दिए जाते थे एंड द रेस्ट वॉज डिटरमाइंड अमंग द पीपल और कुछ जो बचता था वो पीपल के लिए देते थे सम वेल्थ वॉज यूज इन परफॉर्मेंस ऑफ जनाज जनाज के लिए होते डिस्क्रिप्शन इन विच ऑफरिंग वर मेड इन टू द फायर मतलब सीधी सी बात है जैसे वेल्थ वॉज यूज फॉर परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ यार कैटल हॉर्सेस एंड चैरियट्स पता नहीं पेन कैसे बड़ा हो गया कैटल हॉर्सेस एंड चैरियट्स कैटल हॉर्सेस और चैरियट्स ओके देर आर मैनी प्रेयर इन ऋग्वेद फॉर कैटल चिल्ड्रन स्पेशली सन एंड हॉर्सेस ऋग्वेद में बहुत सारे प्रेयर्स हैं कैटल के लिए चिल्ड्रन के लिए जिसमें लड़का सबसे पहले एंड हॉर्सेस घोड़ों के लिए हॉर्सेस वर यॉक्ड इन चैरियट दैट वर यूज्ड इन बैटल विच वर फॉट फॉर कैप्चर कैटल देखिए जो हॉर्स है वो चैरियट यानी रथ में बांधा जाता था उससे वो बैटल करते थे कैप्चर करने के लिए कैटल्स को बैटल वर ऑल्सो फॉट फॉर लैंड विच वॉज इम्पॉर्टेंट ऑफ पैचर एंड ग्रोइंग हार्डी क्रॉप दैट आर राइपेंड क्विकली सच अ बार्ली तो ये बैटल लैंड के लिए भी होती थी और ये पेस्चर के लिए मतलब जहाँ पर जल्दी क्रॉप्स उग जाती थी और जैसे बर्ली एक एग्जांपल सम बैटल्स वर फॉट फॉर वाटर एंड टू कैप्चर पीपल कुछ पानी के लिए होती थी और कुछ कैप्चर करने के लिए लोगों को हम ऑफ वेल्थ दैट वॉज ऑब्टेन वॉज कैप बाय द लीडर्स जो जीता जाता था कुछ लीडर्स को दे दिया जाता था सम वॉज गिवन टू द ब्रिस्ट ब्रिस्ट को दे दिया जाता था एंड सम द रेस्ट वर डिस्ट्रीब्यूट अमोंग द पीपल और बचा हुआ लोगों को बांट दिया सम वेल्थ आर यूज टू परफॉर्म जेंट्स टू
in which offering were made into fire. पहले जो वो दी sacrifices के लिए sacrifices दिए जाते थे, जो fire में दिए जाते थे. These were made for God and goddess. Yes, क्या होता था? Offering could include घी, grain included in some case animals. कुछ केसेस में एनिमल्स होते थे. मोस्ट मैन टू पार्ट इन दिस वॉर्स, कुछ लोग पार्ट लेते थे इनमें. देयर आर नो रेगुलर आर्मी, इनके पास रेगुलर आर्मी नहीं होती थी. बट देयर वर असेंबलीज होती थी वेयर पीपल वेट एंड डिस्कस बैटर फॉर वॉर एंड प्ले पीस सॉरी पीस के लिए बैटर डिस्कस करते थे. दे ऑल्सो चूज लीडर हु वर ऑफन ए लीडर चूज करते थे जो ब्रेव और स्किलफुल वॉरियर हो. वर्ड टू डिस्क्राइब पीपल, देयर आर सेवरल वेज टू डिस्क्राइब पीपल. इट द वर्क दे डू, द लैंग्वेज स्पीक, द प्लेस दे बिलोंग टू, देयर फैमिली, देयर कम्युनिटी एंड कल्चर प्रैक्टिसेस. उनको डिस्क्राइब करने के लिए कुछ तरीके हैं, जैसे वो कौन सी भाषा बोलते हैं, कौन सी प्लेस पर से बिलोंग करते हैं, फैमिली, कम्युनिटी, कल्चर जो प्रैक्टिस करते हैं. लेट अस सी सम ऑफ द वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब पीपल फाउंड इन द ऋग्वेद. कैसे करते थे? देयर आर टू ग्रुप हु आर डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ देयर वर्क. दो ग्रुप है, द प्रेस समटाइम्स कॉल्ड ब्राह्मण, उन्हें ब्राह्मण कहते थे, हु परफॉर्म वेरियस रिचुअल एट द राजास. अब देखिए, दीज राजास वर नॉट लाइक द वंस यू विल बी लर्निंग अबाउट लेटर. ये वो राजा नहीं है जिसके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे. दे डू नॉट हैव कैपिटल सिटीज, प्लेस, आर्मी, नो डेट कलेक्ट टैक्स. इनके पास कोई खुद का किला नहीं होता, तो ये टैक्स कलेक्ट ही करते थे, और इनके कोई खुद की आर्मी नहीं होती थी. ये वो वाले राजा जी है, राजा जी वाले. जनरली सन्स डिड नॉट एटोमिनल सक्सेस फादर एज राजा. पहले राजा का बेटा राजा बनेगा ऐसा नहीं होता था. द प्रीवियस सेक्शन वंस मोर एंड डिड वेर यू कैन फाइंड आउट राजा डिड. प्रीवियस सेक्शन को देखो. द वर्ड वेयर यूज टू डिस्क्राइब द पीपल ऑफ द कम्युनिटी एज होल. होल के लिए वन वॉज फाउंड जना, जना के लिए विच वी स्टिल यूज इन हिंदी, जो हिंदी में यूज करते हैं. अदर लैंग्वेज द अदर विश, विश से कहते हैं. द वर्ड विश या कम्स फ्रॉम विश, विश विषया जो है वो विषया है. यू विल लर्न मोर अबाउट इट इन चैप्टर फाइव. अब चैप्टर फाइव में इसके बारे में और जानेंगे. सेवरल विश और जना, सेवरल विश या जना आर मेंटेन्ड बाय नेम, सो वी फाइंड रेफरेंस टू द पुरी, पुरी जना और विश. ओके, तो भारत का जना और विश, द यदु जना और विश एंड सो ऑन. डू एनी ऑफ दी नेम्स कुड साउंड फैमिली, फैमिली को साउंड करते. सब टाइज द पीपल हु कंपोज द हैंड्स, जो हैंड्स कंपोज करते हैं. डिस्क्राइब देम सेल्फ एज आर्यन, उन्हें आर्यन कहते हैं. कॉल्ड देयर ओपोनेंट्स, जो उनके दुश्मन होते थे उन्हें दासाज और दासिया कहते थे. दीज वर पीपल हु डिड नॉट परफॉर्म सैक्रीफाइसेस, प्रोबेबली स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज. ये सैक्रीफाइसेस भी करते थे और दूसरी लैंग्वेज बोलते थे, ऐसा माना गया. लेटर द टर्म दास एंड दासी कैन बी मीन स्लेव्स, यानी नौकर. स्लेव्स फॉर वुमन एंड मैन, वुमन और मैन होते हैं. हु वर ऑफन कैप्चर्ड इन वॉर, जब वॉर में कैप्चर कर लिए जाते हैं. दे वर ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओनर, वो उनको प्रॉपर्टी ऑफ ओनर की तरह ट्रीट करते. हु कुड मेक देम टू डू वॉट एवर वर्क दे वॉन्टेड,
वो उनसे कोई भी काम करा सकते हैं जो उनको कराना है। वाइल द ऋग्वेद वॉज बींग कम्पोज इन द नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ में हुआ था टू द सब कॉन्टिनेंट देयर वर अदर टर्मनोमेंट एल्सवेयर। लेट अस लुक एट सम ऑफ दिस, कुछ को देखते हैं। साइलेंट सेंट्रल द स्टोरी ऑफ मेगालिथ, मेगालिथिक की स्टोरी। आपको लिथिक याद होगा, जैसे नियोलिथिक याद आया कुछ? लिथिक का मीन्स होता है स्टोन। ये बहुत गंदा लग रहा है, मेरे को पता है। लुक एट द एल्यूशन ऑन द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में देखो, दिस स्टोन बाउंडर आर नोन एज मेगालिथ, उन्हें मेगालिथ कहते हैं। यानी मेगा मतलब बड़ा, लिटरेचर बिग स्टोन, इसका मतलब है बड़ा पत्थर। दिस वर केयरफुली अरेंज बाय पीपल, ये पीपल के द्वारा केयरफुली अरेंज कर गए। एंड वे आर यूज टू मार्क बरियल साइट, दफन की जानी जगह को मार्क करने के लिए यूज होते थे। द प्रैक्टिस फॉर एक्साइटिंग मेगालिथ बिगिन अबाउट 3000 ईयर एगो एंड वॉज प्रेवलेंट थ्रू द डेसन साउथ इंडिया से करते इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में एंड कश्मीर, कश्मीर में। ये वो ही है जिसकी बात कर रहे थे। सब इम्पोर्टेंट मेगालिथ साइट आर शोन ऑन मैप टू, कुछ मैप टू पर शो कर रही है। वाइल सम मेगालिथ कैन बी सीन ऑन द सरफेस, अदर मेगालिथ वेयर आर अंडरग्राउंड, कुछ दिख जाते थे कुछ अंडरग्राउंड होता है। समटाइम्स आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड अ सर्कल ऑफ स्टोन बाउंडर एंड सिंगल लार्ज, या तो एक सिंगल बड़ा सारा पत्थर मिलता था या ऐसे स्टोन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे। दीज आर द ओनली इंडिकेशन दैट दे आर बरियल बैंड, ये है। देयर वर सेवरल थिंग्स दैट पीपल डिड टू मेक मेगालिथ, मेगालिथ के लिए करते थे। वी हैव मेड अ लिस्ट, में एक लिस्ट बनाए। ट्राई एंड अरेंज देम इन करेक्ट ऑर्डर, डिगिंग पिट्स गड्ढे खोदना इन द अर्थ, ट्रांसपोर्टिंग स्टोन्स स्टोन को ट्रांसपोर्ट करना, ब्रेकिंग बोल्डर ब्लेसिंग ऑफ स्टोन मतलब स्टोन को तोड़ना, फाइंडिंग सुटेबल पोजिशन फाइंड मतलब सही पोजिशन पे रखना शेप ऑफ स्टोन, बरिंग द डेड और मरे हुए को दफनाना। ऑल द बरियल हैव सम कॉमन फीचर, जनरली द डेड वर बरीड विद डिस्टिंक्ट पॉट्स, कभी कभी पॉट्स के साथ, विच आर कॉल्ड ब्लैक एंड रेड और, यानी ब्लैक और रेड बार कह सकते हैं। ऑल्सो फाउंड आर टूल्स एंड वेपन्स ऑफ आयरन, आयरन के टूल्स भी मिले एंड समटाइम्स स्केलेटन भी मिले ऑफ हॉर्सेस, हॉर्सेस के हॉर्सेस इक्विपमेंट, जैसे ये दे रखा है ये हॉर्स का इक्विपमेंट है जो उसको पहनाया जाता था, एंड ऑर्नामेंट ऑफ स्टोन एंड गोल्ड, स्टोन और गोल्ड के ऑर्नामेंट। वॉट आयरन यूज इन द हरप्पन, कौन सा यूज होता था, ये देखिए ये है। मिनट फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंस, सोशल डिफरेंस के बारे में। आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट ऑब्जेक्ट फाउंड विद अ स्केलेटन प्रोबेबली बिलोंग टू द डेड पर्सन, डेड पर्सन से बिलोंग करता है। समटाइम मोर ऑब्जेक्ट आर फाउंड इन द ग्रेव, मतलब जो कब्रें मिलती हैं उनमें कभी कभी ज़्यादा ऑब्जेक्ट मिलते हैं दैन इन अनदर, दूसरे से। फाइंड भ्रमगिरी ऑन मैप टू, भ्रमगिरी को मैप टू पे फाइंड करो। हियर आर वन स्केलेटन वॉज बरीड विद 33 गोल्ड बीड्स, 33 गोल्ड बीड्स के साथ तब्दे किया है। टू स्टोन बीड्स, दो स्टोन बीड्स के साथ और कॉपर बैंगल, फोर कॉपर बैंगल के साथ एंड वन कॉच ऑफ शेल यानी शंख के साथ, शंख। अदर स्केलेटन हैव ओनली अ फ्यू पॉट्स, कुछ के पास कुछ घड़े ही हैं। दिस फाइंड सजेस्ट दैट देयर वाज सम डिफरेंस इन स्टेटस अमंग द पीपल, कुछ तो डिफरेंस। हु वर बरीड, बरीड में। सम वर रिच, कुछ रिच होंगे, अदर पुअर, दूसरे पुअर होंगे। सम चीप, अदर फॉलोअर,
चीफ होंगे, कुछ और कुछ उनके फॉलोअर्स होंगे। वे आर सम वरियल स्पॉट्स मेन फॉर सर्टेन फैमिलीज, दूसरे फैमिली समटाइम्स मेगालिथ स्टोन मोर देन वन स्केलेटन, एक स्केलेटन होता है। दीज इंडिकेट द पीपल पर एज बिलोंग टू द सेम फैमिली, सेम फैमिली बिलोंग करते हैं। वे आर वर बरीड इन द सेम प्लेस, सेम प्लेस में थ्रू नॉट एट द सेम टाइम, सेम टाइम पे नहीं। द बॉडी ऑफ दोज हु डेड लेटर, जिनको लेटर डेड किया गया, वर पॉट इन टू द ग्रेव, ग्रेव में थ्रू द पॉट होल्स। और 600 मतलब एक फैमिली को ही डाल दिया जाता था और उनको एक गड्ढे द्वारा पहुँचाया जाता था। स्टोन सर्कल ऑन बाउंड्री, बाउंड्री पर प्लेस इन द सर्फेस प्रॉबेबली सर्व इन थिंग पॉट टू फाइंड बरियल साइट, सो द पीपल कुड रिटर्न टू द सेम प्लेस वैन एवर दे वॉन्टेड, जब उनको चाहिए था। और स्पेशल बरियल इन एट इनाम गाँव, एक स्पेशल बरियल इनाम गाँव में। फाइंड द इनाम गाँव ऑन मैप टू, मैप टू पर फाइंड करो। इट इज़ अ साइट ऑन द रिवर गोड ऑफ ट्रिब्यूटरी है एट द भीमा है। इट वॉज ऑक्यूपाइड बिटवीन 3600 2700 ईयर में। हेयर अडर वर जनरली बरीड इन ग्राउंड लैड एंड स्टेट विद द हेड टूवर्ड्स द नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ हेड है। समटाइम्स बरियल वर वेदन द हॉर्स, हॉर्स के साथ वेदर दैट प्रोबेबली कंटेन फूड, जिसमें फूड है, एंड वाटर पर प्लेस इन द विद द डेड के साथ। वन मैन वॉज फाउंड बरीड इन अ लार्ज फोर लेग्ड क्ले जार टू कंटर्ड अ फाइव रूम्ड हाउस, पांच रूम जैसा हाउस। वन लार्जेस्ट हाउस इन द साइट, लार्जेस्ट हाउस साइट का। इन द सेंचुरी ऑफ द सेटलमेंट दिस हाउस ऑल्सो हैड जेनरल, द बॉडी वॉज प्लेस इन द क्रॉस लेग पोजिशन में। Do you think this was body of chief? Give reason for your answer. क्या ये बॉडी थी चीफ की? आप अपना आंसर कमेंट्स में बताइए। What skeleton study tell us? Skeleton की study अपन को क्या बताती है? It is easy to make out the skeleton of a child from a small size. However, नो मेजर डिफरेंस इन द बोन्स ऑफ गर्ल्स एंड बॉय। देखिए अपन को लिए बहुत आसान है एक चाइल्ड की स्केलेटन को बताना, क्योंकि उसकी साइज छोटी होती है, ठीक है। और गर्ल्स और बॉयज जो होते हैं उनका जो हड्डी का ढांचा होता है वो एकदम सेम सा होता है। कैन वी मेक वेदर अ स्केलेटन वॉज दैट मैन और अ वुमेन, ये इजी नहीं है मैन और वुमेन। समटाइम्स पीपल डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ वॉट इट फाइंड इन स्केलेटन, क्या मिला है। फॉर इंस्टेंस इट फाउंड द ज्वेलरी इट हैज समटाइम्स ऑफ मैन वुमेन, मतलब कि जहाँ ज्वेलरी मिली है वहाँ पर वुमेन का होगा। लेकिन दिक्कत यह हाउ एवर द प्रोबेबली, एक मिनट मैं नेटवर्क कर देता। ओके अब आप सही से समझ सकते हैं। क्या ना मान लिया कि वो वुमेन है, लेकिन दिक्कत ये है कि मैन के साथ भी ऑर्नामेंट्स मिल रहे हैं, अपन ने पढ़ा था। अ बेटर वॉज फिगर इन द सेक्स ऑफ स्केलेटन टू लुक एट द स्ट्रक्चर दैट हिप ऑफ द एरिया ऑफ वुमेन जनरली लार्ज इन एनिमल चाइल्ड बेड, लार्ज होता है। दिस डिस्टेंस आर बेस्ड ऑन द मॉडर्न ऑफ स्केलेटन अबाउट 2000 ईयर हो, जो 2000 साल पहले हुई थी। देयर आर फेमस फिजिशियन नेम्ड चाक्र रॉट अ बुक मेडिसिन नोन एज चरका साहिब, उन्होंने ये बुक लिखी थी। देयर ही स्टेट दैट अ ह्यूमन बॉडी हैज 360 bones, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा, हमने तो सुना था 200 से होती है। दिस इज मच लार्जर नंबर दैट द 200, मतलब 6 इसमें हमें स्प्रिंट कर देना आर इन मॉडर्न एनीथिंग, उन्होंने शायद
टीथ जॉइंट्स कार्टिलेजेस भी काउंट करे थे. हाउ डू यू थिंक फाइंड अबाउट ह्यूमन बॉडी इन सच अ ग्रेट डिटेल. उन्होंने ग्रेट डिटेल में उसको किया था. ऑक्यूपेशन एट इनाम गांव का है. आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सीट्स ऑफ वीट बलेरा स्पल्स पीस सीम बोन्स ऑफ नंबर ऑफ एनिमल मैनी ब्रेन कट दैट शो इन मैनी बीन बाय फूड हैज ऑल्सो बीन फाउंड. दिस इंक्लूड कैटल बफेलो गोट शीप डॉग हाउस पिग इन सब में पॉटेड डियर ब्लैक डक एंटीलोप हर मूंग्स बिसाइड्स बर्ड क्रैब एंड फिश. ये सारे दीज आर एड बाय फ्रूट सच एज एंड दैट्स हर वैरायटी कलेक्शन. ओके यूज इंडिविजुअल लिस्ट पॉसिबल ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ एट इनाम गांव के लिए ऑक्यूपेशन बताना. तो यही आपका चैप्टर ख़त्म होता है. तो हम मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.